हे गाइस, गुड मॉर्निंग. आई एम नेहा शर्मा एंड वेलकम यू एट माई यूट्यूब चैनल. ये जो मेरा वीडियो है ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज जो मैंने 25 साल से सोचा हुआ था आज मैं वो करने जा रही हूँ. यस, मैं अपनी गाड़ी लेने जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इमोशनल हूँ. बहुत सारे मिक्स इमोशंस है मेरे पास अभी, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मेरे को ये ब्लॉग बनाना चाहिए. एंड आफ्टर ग्रोन अप मोर, लाइक मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो मैं इसको देख पाऊँगी. जस्ट किडिंग. तो अभी मैं जाती हूँ रेडी होने अपने ऑफिस के लिए. ऑफिस का पूरा टाइम निकाल के ऑफिस के बाद मैं जाऊँगी गाड़ी के लिए. तो लेट्स सी कैसे होता है. सी यू देयर. मैं ऑफिस से आ गई हूँ. आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, सोचा था थोड़ा सा रूम वूम क्लीन कर लूँगी, थोड़ा ड्रेसअप हो जाऊँगी और फिर जाऊँगी मैं गाड़ी लेने. तो 5:30 बजे का टाइम था और 5:30 बज चुके हैं यहीं पे. और मैंने कैब की थी, वो भी नहीं आई. तो हम 6:30 बजे वहाँ पहुँचे थे और डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो रहे थे. तो यहाँ मैंने सभी डॉक्यूमेंट साइन किए. मेरी एक अजीब सी आदत है, जब भी मैं कुछ भी साइन करती हूँ या कुछ भी मेरे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, मैं हमेशा से चेक करती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है. सारे डॉक्यूमेंट साइन कर दिए हैं, पेमेंट अजीब सी ठंडे पड़े हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है. सो मैंने और अंकिता ने यहाँ पे कार रिवील की. वहाँ से निकलने के बाद मुझे मेरे दोस्तों ने गिफ्ट किया और हमारा प्लान था कि हम आगे मंदिर जाएं. मतलब कार लेने से पहले मेरे दोस्तों ने प्लान कर लिया था कि उन्हें क्या गिफ्ट देना है. डैशबोर्ड के लिए मूर्ति उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है. तो एक वो शिव जी की मूर्ति थी और ये जो मैं पैकेट खोल रही हूँ इसके अंदर गणेश जी है. तो इन दोनों में से मुझे कोई एक लगाना होगा अपने डैशबोर्ड पे. ये शिव जी की मूर्ति है तो इन दोनों में से कोई एक मैं लगाऊंगी. पूजा के बाद मैंने गाड़ी पहली बार खुद से स्टार्ट की और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी ये. मैंने गाड़ी ड्राइव भी की. वेरी गुड. मैं थोड़ी डरी हुई भी हूँ. मैं गाड़ी लेके और आज का दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत स्पेशल था और मतलब बहुत ही अलग सी फीलिंग थी यार. मतलब आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एट द एज ऑफ 25 मेरे पास अपनी गाड़ी है. पहले तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ जब उसने मुझे गाड़ी दी की चाबी दी. मतलब जो वहाँ के सेल्स पर्सन थे उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी दी, मुझे कुछ फील नहीं हुआ. मैंने पेपर साइन किए, डॉक्यूमेंट साइन किए, मुझे कुछ नहीं लग रहा था कि मैं कुछ ले रही हूँ, कुछ कर रही हूँ. पेमेंट किया, मुझे तभी भी कुछ फील नहीं हुआ. एंड आई वॉज जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराने के लिए गाड़ी के ऊपर वो पर्दा वर्दा डाला एंड एवरीथिंग वॉज देन मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था. एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट. मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे लिए केक कटवाया, अंकू मेरे साथ थी, गिफ्ट दिया उन्होंने. मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था. फिर हम मंदिर गए, मंदिर में जाके हमने पूजा की तो अच्छा लग रहा था. मतलब
फिर जब मतलब तब जाके मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी गाड़ी है, जब हम लोग ट्रैफिक में थे और ना पास से कोई गाड़ी जा रही तेज या कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो मुझे बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा था कि यार प्लीज़ 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 तुम मुझसे दूर रहो, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब वो वाली फीलिंग थी कि ये गाड़ी मेरी है। देन धीरे धीरे लगा कि हाँ यार ये मेरा है यार। तो मतलब हमने बाहर खाना खाया, एवरीथिंग वॉज सो गुड सो परफेक्ट। मतलब थोड़ी सी कमी लग रही थी मुझे कि यार काश मम्मी मेरे साथ होती, चिनू मेरे साथ होता, तो एक अलग ही फीलिंग होती, मतलब सब कुछ परफेक्ट होता। पर कोई बात नहीं यार, मतलब ठीक है अभी मम्मी नहीं आ सकती है, अब उनको आइडिया भी नहीं है। खैर ये सबसे बड़ी चीज़ है, उनको आइडिया भी नहीं, क्योंकि मैंने उनके सामने कोई जिक्र भी नहीं किया कि मुझे कोई गाड़ी चाहिए या मैं गाड़ी ले रही हूँ, कुछ भी नहीं बोला मैंने उनको। उनको कोई क्लू नहीं है। अब देखती हूँ परसों वहाँ जाऊँगी मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है, कैसे रहता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। पर मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। सेकेंड चिन्नू भी यहाँ पे नहीं है इसलिए, क्योंकि वो वैष्णो देवी गया अपने दोस्तों के साथ में। तो फिर मुझे लगा कि यार उसको भी वहाँ पे बताना कि मैंने गाड़ी ले ली है, तो मैं उसका रिएक्शन उसकी खुशी नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है ना घर में जिसको गाड़ी बाइक उनका इतना शौक है। वो मुझे बार बार कहता रहता है यार मुझे बाइक चाहिए गाड़ी चाहिए बाइक चाहिए गाड़ी चाहिए, बट मैं उसको हमेशा मना करती हूँ कि नहीं यार अभी रुक जा थोड़ा धीरे थोड़ा हौले, मतलब आराम से चल। बिकॉज मैं कहीं ना कहीं प्लान कर रही थी कि मुझे गाड़ी लेनी है, सो मेरे को कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना था। बट उसका रिएक्शन मुझे पता, वो बहुत खुश हो जाएगा, तो मुझे उसका रिएक्शन भी कैप्चर करना। तो मुझे लगा बेटर है उसको वहाँ पे ये एक न्यूज़ दे के कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर मैं उसको यहाँ बुलाऊंगी, वो यहाँ खुद से देखेगा फिर बताएगा उसको गाड़ी कैसी लग रही है और वो उसको क्या फील हो रहा है, तो वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओवरऑल मेरा दिन बहुत अच्छा था और आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। एनीवेज बाय, गुड नाइट।